अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हो अभी स्कूल में हो, ये गलती कभी मत करना कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो सिर्फ गेमिंग के लिए। ये मैं हर बार बोलता हूँ, अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करो, इतना पढ़ लो कि आप थोड़ा सोसाइटी में बैठने लायक हो जाओ, ग्रेजुएशन कर लो, कोई प्रोफेशनल कोर्स, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी भाई देखो आपका पढ़ाई का सीन है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं आप सोचो कि भाई अगर उस गेमर ने 9th के बाद 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और वो इतना कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। लाइफ एक जैसी नहीं रहती, हम लोग यूट्यूबर है, हमारा कल का ठिकाना नहीं है, आपको मालूम है हमारा खुद का कल का ठिकाना नहीं है। यूट्यूब सिर्फ एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट नहीं रहेगी तो हम क्या कमाएंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मैं 6-7 साल हमें यूट्यूब पर हो चुके हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हम इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे रहोगे और आपकी गेमिंग अगर चलती भी नहीं है, क्या हो गया, कुछ हो गया, कोई गेम बैन हो गया जिसमें आप प्रो थे या ऐसा हो गया, तो क्या करोगे, क्या करोगे? तो अगर आप पढ़े लिखे रहोगे, आपके पास डिग्री है, तो कम से कम एक नॉर्मल जॉब तो कर सकते हो, अपनी फैमिली को ब्रेड बटर कुछ भी या जो भी खाने का सहूलियत है, फैसिलिटीज है, अपने बच्चे होंगे जो आपके आपके पेरेंट्स हैं, उनको महीने के पैसे तो दे पाओगे अगर कोई नॉर्मल जॉब कर पाओगे।